क्वेश्चन सेवन, क्लास सिक्स, चैप्टर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 12, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन सेवेंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट आपका पार्ट है ए, 30 मिनट्स टू 1 आवर। अब आपने देखा आपका पहला जो सिक्स क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था, रेशो 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। लेकिन दोनों में फर्क क्या है देखना, इसमें ये जो यूनिट है यहां किलोमीटर है तो यहां भी किलोमीटर ही है, सेम है ना। यहां देखो यहां मिनट है तो दूसरे में भी मिनट है, यानी सेम यूनिट है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यहां भी नहीं है, लेकिन आप देखोगे यूनिट अलग है, यहां मिनट है और यहां क्या है आर है। तो हमेशा इसमें पहले डिसाइड करो कि कौन सी यूनिट बड़ी है, मिनट बड़ा होता है या आर बड़ा है, आर्स बड़ा है ना, ये बड़ा है, तो आप मिनट को आर्स में चेंज कर लोगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप चेंज करोगे ये बड़े को छोटे में, आर्स को मिनट में चेंज कर लोगे, बड़े को हमेशा छोटे में। तो आप सबसे पहले तो चेंज करोगे जो 30 मिनट्स है एक 1 आवर, तो आप लिखोगे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। देयरफॉर अब तुम्हें रेशियो निकालना, 30 मिनट टू 1 आवर की जगह लिखोगे 60 मिनट। जब तक ये यूनिट सेम नहीं होती ये वाले, तब तक आप आगे क्वेश्चन नहीं करोगे। अब आप आगे करोगे, नाउ रेशियो, अब रेशियो लिख दो इक्वल टू 30 ऊपर भी मिनट, नीचे 60 यहां भी मिनट, और मिनट से कैंसिल मिनट, 30 अपॉन 60 जीरो से कैंसिल जीरो, तो बचा 3 अपॉन 6, ये भी 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, तो बचा 1 अपॉन 2, यानी 1:2 आपका आंसर है। इसी तरह सेकंड देखना, सेकंड आपके पास बी 45 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है भाई। इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, इसकी यूनिट मीटर, तो सेंटीमीटर और मीटर में मीटर बड़ा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे। तो अब आपको पिछली क्लासों का याद आना चाहिए, 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर थे, याद है या नहीं याद है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब मीटर जितना भी है उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना, तो है कितना 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। इसे सिंप्लीफाई करो, पॉइंट हटा दिया तो पॉइंट के नीचे तो 1 लिख दिया और जितनी भी आगे डिजिट है उतनी 0, तो 1 5 अपॉन में 10, 10 से ये 0 से 1 0 कैंसिल, तो अब आपके पास आ गया 150, 15 × 10 यानी 150 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन को आप दोबारा लिखोगे, देयरफॉर 45 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर की जगह लिखोगे 150 सेंटीमीटर। अब नाउ रेशियो इक्वल टू, अब रेशियो निकालोगे 45 सेंटीमीटर अपॉन में 150 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, बचा क्या 45 अपॉन 150। ये किससे कैंसिल होगा, 5 से कर लो सबसे पहले, तो 5 9 जा और 5 3 0 30, फिर 9 और 30 है ये 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 3 10 जा, तो ऊपर 3 और नीचे 10, तो आपके पास आ जाता है 3/10 यानी 3:10 आपका आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन 7 सी पार्ट, तो सी पार्ट में कहता है 55 पैसे टू ₹1। फिर आप यूनिट ढूंढ लो, यहां पे पैसे और यहां पे रुपीज है,
बड़ा कौन सा है? रुपीज बड़ा है। तो रुपीज को किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसे में। तो 1 रुपीज इक्वल टू कितने पैसे? 100 पैसे। तो यहाँ पे 1 रुपीज ही है तो इसकी जगह सीधा सीधा 100 लिख देंगे। तो क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे हम, 55 पैसे टू 100 पैसे। तो अब रेशो लिख दो, 55 पैसे अपॉन 100 पैसे। अब इन्हें कैंसिल कर दो, पैसे से तो ये पैसे कैंसिल हो गया, ये 55 और 100 है, 5 से कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5 1 जा 11 और 5 2 जा 10, 500। तो ये आ गया, अब आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया ये 11/20। ये तो किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो आप इसे लिख सकते हो 11:20 आपका आंसर है। नेक्स्ट डी पार्ट इसका, डी कहता है 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर, 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर्स। फिर हमारे पास वही समस्या है, हमें चेक करना यूनिट। सबसे पहले तो यूनिट पहचानो, इसकी यूनिट मिलीलीटर और इसकी लीटर, फिर पहचानो कौन सी बड़ी है, मिलीलीटर या लीटर। मिलीलीटर बड़ा होता है या लीटर बड़ा होता है? लीटर बड़ा होता है, तो ये लीटर बड़ा है। अब लीटर को चेंज करना है मिलीलीटर में, इसके लिए इनका रिलेशन याद होना चाहिए, 1 लीटर इक्वल टू, किसी को भी याद नहीं 1 लीटर इक्वल टू कितना मिलीलीटर? बहुत नालायक बच्चे भाई तुम लोग, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000। तो 2 लीटर कितना हो जाएगा? 2 लीटर इक्वल टू 2 × 1000 मिलीलीटर, यानी 2000 मिलीलीटर। पिछली क्लासों का सब कुछ हमेशा याद रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए। जो पिछली क्लासों का भूलते चले जाते हैं ना, उन्हें फिर कोई फायदा नहीं होता, बड़े मुश्किल हो जाता आगे पढ़ना। 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर की जगह आप लिखेंगे 2000 मिलीलीटर। तो देयरफॉर रेशियो, अब रेशियो लिखेंगे 500 मिलीलीटर अपॉन में 2000 मिलीलीटर, और भाई मिलीलीटर से मिलीलीटर आपका कैंसिल हो गया, 2 जीरो से नीचे की 2 जीरो भी कैंसिल होगी, बचा आपके पास 5/20। दोनों ही नंबर 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 से काट दो, 5 1 जा और 5 4 जा, तो अब आपके पास बचता है 1/4, इसको हम लिखेंगे 1:4, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कह रहा इन अ ईयर, किसी एक साल में, इन अ ईयर किसी साल में सीमा अर्न्स रुपीज 150,000, सीमा कोई है और अर्न्स रुपीज 150,000, यानी सीमा इतने रुपए कमा लेती है, कितने रुपए? 150,000 रुपीज वो अर्न कमा लेती है ना। एंड सेव्स, कहता है उसमें से सेव्स बचाती है, कितने बचा लेती है? 50,000 बचा लेती है उनमें से, यानी कमाया कितना, अर्न किया 1,50,000, सेव कितना किया 50,000। आगे कहता है फाइंड द रेशो ऑफ, अब रेशो निकालना है किसका, फर्स्ट ए पार्ट देख लो, मनी दैट सीमा अर्न्स टू मनी शी सेव्स, मनी दैट सीमा अर्न्स टू दी मनी शी सेव्स, यानी कि टू, बताया था ना टू से पहले वाला ऊपर लिखते हैं, मनी दैट सीमा अर्न्स यानी जितने इसने पैसे कमाए वो ऊपर, और टू के बाद वाला नीचे, सेव जितने बचाए वो नीचे। तो आप लिखोगे रेशो
अर्न्स अपॉन में सेविंग सीधा सीधा दे रखा, कितना अर्न किया था 1,50,000 रुपीज। दोनों यूनिट सेम है रुपीज और रुपीज, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और सेव कितने किए हैं रुपीज 50,000, ये किए। अब इन्हें कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर दो, रुपीज से कैंसिल रुपीज, रुपीज से आपका रुपीज कैंसिल हो गया है ना, और ये यहां से जीरो इस तरफ से कैंसिल करते हैं, नीचे कम 1, 2, 3, 4, ऊपर 1, 2, 3, 4 कैंसिल हो गई। बचा क्या 15/5 लिख लो, आपके पास बचता है 15/5। दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, दोनों नंबर 5 1 जा और 5 3 जा, तो ये आ जाएगा अब आपके पास 3/1 यानी 3:1 आपका आंसर आ गया, 3:1। देख लो दोबारा, उसने कहा रेशियो फाइंड आउट करना, अर्न्स टू सेव, टू से पहले वाला ऊपर यानी जितना अर्निंग किया ऊपर और जितना सेव किया वो नीचे। नेक्स्ट इसी के बी पार्ट में क्या कहते हैं देखना, इसी के बी पार्ट में कहते हैं मनी दैट शी सेव्स टू मनी शी स्पेंड्स, मनी दैट शी सेव्स टू मनी दैट शी स्पेंड्स। टू ढूंढ लो रेशो में, ये टू से पहले क्या है सेव और बाद में क्या है स्पेंड, यानी सेव जो बचाई है और स्पेंड जो उसने खर्च कर दी है, तो पैसे जो उसने बचाए हैं वो ऊपर आएंगे, जो खर्च किए नीचे आएंगे। और क्वेश्चन में क्या दे रखा, अर्न्स जो उसने कमाए हैं, जो कमाए हैं वो दे रखा है और जो बचाए हैं वो दे रखा है, तो सेविंग तो दे ही नहीं रखी। अब थोड़ा सा तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, सेविंग कैसे निकालोगे। सीमा ने अर्न किए कितने 1,50,000, सेव किए कितने 50,000, तो उसने स्पेंड कितने किए होंगे माइनस कर देंगे। हाँ तो पहले जो नहीं है, देखो हमारे पास ये सेविंग है, यस है, टिक लगा लो, स्पेंड है नहीं है क्वेश्चन मार्क लगा लो, तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा फिर रेशो निकालेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में मनी दैट सीमा स्पेंड्स इक्वल टू 1,50,000 माइनस 50,000 रुपीज, यानी माइनस करेंगे तो 1,00,000 रुपीज ये उसके स्पेंड है। देयरफॉर रेशियो, पहले ऊपर सेविंग कितने दे रखे सीधी 50,000 अपॉन स्पेंड कितना है 1,00,000। अब कैंसिल कर दो, 1 0 से 1 0, फिर दूसरी से दूसरी, थर्ड से थर्ड, और ये हुई फोर्थ से फोर्थ, ऊपर 5 और नीचे 10, तो ऊपर बचता आपके पास 5 नीचे 10, दोनों ही 5 के टेबल से कैंसिल हो जाते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपके पास आ जाता है 1/2 यानी 1:2 आपका आंसर है। आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल, देयर आर 102 टीचर्स इन ए स्कूल ऑफ 3,000 300 स्टूडेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, टू द
नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन समझना, फिर इसमें टू फाइंड आउट कर लो, टू कहां है, फाइंड द रेशियो ऑफ ये टू रहा। नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऊपर टीचर नीचे स्टूडेंट, दे क्या रखा है, देर आर 102 टीचर्स, यानी ये टीचर दे रखा है, यानी इस पर टिक लगा दो, यस हमें पता है। इन अ स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट, ये स्टूडेंट तो ये भी दे रखा है, इस पे भी टिक लगा दो, दोनों चीजें पता है, आप सॉल्यूशन लिख सकते हो बिना टेंशन के। सॉल्यूशन रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऊपर चाहो तो स्टेटमेंट लिख दो, नंबर ऑफ टीचर्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स कितने हैं आपके पास 102 और स्टूडेंट्स कितने हैं 3300। कैंसिल किससे करोगे, सबसे पहले तो 3 से कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, 3 से जब डिवाइड होगा तो 3 3 9, 1 और 2 3 4 12, नीचे 3 1 3 3 1 3 0 0, फिर दोनों नंबर 2 से कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 1 जा 2 7 जा 2 5 जा 10 1 0 2 5 जा और 0 17 अपॉन 5 50। अब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो आपके पास आ गया 17 अपॉन 550, यानी 17:550 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में देखना, इन ए कॉलेज आउट ऑफ इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स 2300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ ए नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टू ये रहा, उससे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स, बाद में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऊपर दे रखा है आउट ऑफ, ये टोटल स्टूडेंट है तो टोटल हमें पता है, ये है टोटल, ये वाले टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ये रही नंबर ऑफ गर्ल्स, ये गर्ल्स हैं, तो दोनों हमें मालूम है, तो सीधा सीधा हम रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर लिख लो 2300, टोटल स्टूडेंट 4320, कैंसिल आउट कर दो, यहां ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, फिर 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2 और ये 30 है तो 15, जब 230 को 2 से डिवाइड करेंगे 115 अपॉन 432 को करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 2 6 जा, ये आ गया आपके पास 115 अपॉन 216, ये आपके पास नंबर आ गया, ठीक है। अब आगे देखो ये कैंसिल हो रहा है, अब ये किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप लिख सकते हो सीधा सीधा 115 अपॉन 216, तो रेशियो लिख दो 115:216 आपका आंसर है। दूसरे वाला बी क्वेश्चन देखो, आप बी में क्या पूछा है, बी में उन्होंने पूछा है फाइंड नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, बी नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स,
और सी पार्ट इकट्ठे पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। सी पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। तब नंबर ऑफ बॉयज यहां देखो टू, ये रहा टू, इससे पहले बॉयज है और बाद में गर्ल्स हैं। बॉयज हमें दे रखा है नहीं दे रखा, तो सबसे पहले तो बॉयज आपको निकालना पड़ेगा। बॉयज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल कितने हैं आपके पास 4320 माइनस 2300। तो ये जब माइनस करेंगे 4000 में से 2000, तो 2020 आपके पास बॉयज बच जाते हैं, 2020 बॉयज हैं बॉयज। नाउ अब रेशो निकालेंगे, रेशो बॉयज टू गर्ल्स, तो बॉयज कितने हैं 2020 और गर्ल्स कितनी है 2300। तो अब कैंसिल कर लेंगे, जीरो से कैंसिल जीरो, फिर टू से 101 और नीचे 21 जा 30 है, तो जी 1 और 5, तो अब आपका ये हो गया 101 अपॉन 115 आपके पास टोटल। ये रेशो लिख लो 101 रेशो 115 आपका आंसर हो गया है। फिर नेक्स्ट है, फिर टू, ये टू फाइंड आउट कर लो, इससे पहले बॉयज है और फिर टोटल स्टूडेंट। अब बॉयज तो हमें पता है, बॉयज भी पता है और टोटल स्टूडेंट भी पता है, तो अब आप लिख लेते हो रेशियो इक्वल टू बॉयज कितने थे 2020 और टोटल कितने हैं आपके पास, टोटल है 4320। इन्हें कैंसिल आउट कर लो, जीरो से कैंसिल जीरो, ऊपर टू से तो 101, नीचे टू से 216। अब ये फिर किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो अब आप रेशो लिख सकते हो 101 रेशो 216 आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 11, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 ऑप्टेड क्रिकेट, 800 ऑप्टेड टेबल टेनिस। इफ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, इफ ए स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, फाइंड द रेशियो ऑफ देखना क्वेश्चन समझो, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट है 1800, उसमें से 750 तो बास्केटबॉल पसंद करते हैं खेलने के लिए, 800 जो है वो क्रिकेट पसंद करते हैं, और जो बाकी बचते हैं वो आपका टेनिस पसंद करते हैं, ठीक है। वो कहता है एक स्टूडेंट एक ही गेम ऑप्ट कर सकता है, तो रेशो फाइंड आउट करो। रेशो में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान देना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस।
बी आपके पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट टू दी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। और थर्ड क्वेश्चन में ये पूछता है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट टू दी क्रिकेट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड ये बास्केटबॉल, ये था बास्केटबॉल टू दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ध्यान देते हैं सबसे पहले, फिर वही हमारा बेसिक मेथड, ये तो हमें पता लग गया कि टोटल है आपके पास 1800, जिसमें से 750 बास्केटबॉल, 800 क्रिकेट और बाकी टेनिस है ना। तो फर्स्ट में टू ये रहा, टू से पहले इसे क्या चाहिए बास्केटबॉल वाले स्टूडेंट, और टू के बाद क्या चाहिए ओ ऑप्टेड टेनिस। अब देखो बास्केटबॉल वाले पता है हमें, पता है 750, तो बास्केटबॉल पे टिक लगा लो, बेशक ऊपर छोटा सा लिख दो 750। और उसके बाद हु ऑप्टेड टेनिस वाले पता है नहीं पता, इसने कहा रिमेनिंग टेनिस। अब कितने रिमेनिंग निकालने पड़ेंगे, तो सॉल्यूशन में हम निकालेंगे टोटल स्टूडेंट 1800, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल बास्केटबॉल कितना 750, और भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट के लिए कितना 800, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेनिस कितना रिमेनिंग यानी 1800 माइनस 750 माइनस 800, तो माइनस करके लिख लो 800 माइनस 1000 माइनस 750 250 आ जाता, ओनली कितना आ जाता है 250। तो अब इसके बाद देयरफॉर यहां करते हैं आगे रेशो में ऊपर क्या लिखना, बास्केटबॉल वाले लिखने हैं यानी 250, और नीचे टेनिस वाले लिखने हैं 750 अपॉन 250। कैंसिल कर देंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल, 75/25, ये 25 वन जा और 25 थ्री जा, तो ये आ जाएगा आपका 3/1 यानी 3:1 आपका आंसर है। सेकंड कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट टू से पहले क्रिकेट है और बाद में क्या है बास्केटबॉल, यानी ऊपर नंबर जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो आ जाएंगे और नीचे जो बास्केटबॉल खेलते हैं वो आ जाएंगे, तो सीधा हमें तो इनका पता ही है रेशो। क्रिकेट कितना खेल रहे हैं क्वेश्चन में से देखो, और हमने यहां दोबारा भी मार्क कर लिया, इसमें से लिख सकते हो क्रिकेट आपका 800 खेल रहे हैं और बास्केटबॉल खेल रहे हैं 750, तो 800 क्रिकेट अपॉन 750 कैंसिल करेंगे तो जीरो से जीरो, बाकी 5 से 5 बन जा और 5 6 30, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 1 5 5 15, तो आपके पास आ जाता है 16/15 यानी 16:15। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर पढ़ो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, पहले बास्केटबॉल है 2, ये 2 मिल गया हमें, टोटल नंबर ऑफ उसके बाद है टोटल, तो ऊपर बास्केटबॉल और नीचे टोटल, तो रेशियो बास्केटबॉल वाले हमें मालूम है लिखे हुए हमने 750, टोटल वाले भी लिखे हुए 1800, 750/1800 जीरो से कैंसिल जीरो,
फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 75 अपॉन 180। अब इसे 5 से कर लो, ये 5 से डिवाइड होगा तो 15, 185 से डिवाइड होगा तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और 3 0 30, 5 6 जा 30, तो 15 अपॉन 36। फिर आगे कैंसिल करो 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा, यानी 5 अपॉन 12, यानी आपके पास 5:12 आपका आंसर आ जाता है। तो ये आपके टोटल 11 क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। कॉस्ट ऑफ ए डजन पेंस इज रुपीज 180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेंस, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेंस इज रुपीज 56, इज रुपीज 56। फाइंड द रेशियो ऑफ दी, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन, कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। क्वेश्चन फाइंड आउट करो, रेशियो किसका फाइंड आउट करना हमें, टू, ये टू है तो टू से पहले कॉस्ट ऑफ ए पेन और उसके बाद कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। कॉस्ट ऑफ वन डजन पेन, वन डजन पेन की कॉस्ट है ये, वन डजन यानी 12, 12 पेन की कॉस्ट है 180, हमें सिर्फ वन पेन की चाहिए वन, तो ये सोल्व करना पड़ेगा। और फिर एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन, यहां भी 8 बॉल पेन की कॉस्ट है 56, यहां भी हमें 1 की सोल्व करनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, जो हमें जिसका रेशियो फाइंड आउट करना, वो वैल्यूज हमें मालूम नहीं है तो वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। सॉल्यूशन लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 डजन यानी ब्रैकेट में लिख दो 12 पेन्स इक्वल टू रुपीज 180, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये जाके 12 उधर डिवाइड हो जाएगा, रुपीज 180 डिवाइड बाय 12, जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो 15, 12 वन जा 12 6 0 15 रुपीज, तो आपके पास आ गया एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई है, एक पेन की कॉस्ट आ गई 15 रुपीज। इसी तरह से आप आगे करोगे, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट है रुपीज 56, 8 की रुपीज 56, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इक्वल टू रुपीज 56 अपॉन 8 यानी 7 रुपीज। तो अब आपके पास 1 बॉल पेन की कॉस्ट आ गई 7 रुपीज, दोनों चीजें आ गई। अब आपके पास 2 से पहले एक पेन की कॉस्ट भी आ गई और एक बॉल पेन की कॉस्ट भी आ गई। अब लिख लेते हैं, देयरफॉर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ए पेन अपॉन कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। अब एक पेन की कॉस्ट आपकी कितनी आई थी 15, बॉल पेन की 7, आपके पास आ गया 15:7 आंसर। क्लियर है?